So we have the search technique. The important thing for this is having the search technique. है ना, क्या है ये सर्च टेक्निक? खोज करने के तरीके, सर्च करने के तरीके। और इस टेक्निक को सबसे पहले 1960 में जो साइंटिस्ट ने खोजा, दैट इज आई रेजनबर्ग, रेजनबर्ग ने सर्च टेक्निक को खोज किया और सर्च टेक्निक को क्लासिफाई किया गया बेसिकली तीन पार्ट में। फर्स्ट इज कैलकुलस बेस्ड, है ना, कैलकुलस बेस्ड। सेकेंड इज गाइडेड रैंडम, गाइडेड रैंडम। एंड थर्ड इज इनुमरेटिव। तो ये तीन सर्च टेक्निक हुए। जो फर्स्ट टेक्निक है कैलकुलस बेस्ड, का मतलब है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन, है ना, कोई भी है मेथड उसमें डायरेक्ट कैलकुलेट करके और उसको देख लिया गया। फिर इसी में दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके इनडायरेक्ट कैलकुलेट किया गया। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी का हम टेम्परेचर लेना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लेने के दो तरीका है, एक क्या है, डायरेक्ट टच कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट टच करने से यदि आदमी के शरीर गर्म है तो आप कह देते हैं हाँ भाई बुखार है। अब इनडायरेक्ट टच क्या होगा, इनडायरेक्ट टच में थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर क्या क्वांटाइज करना चाहते हैं, कितना टेम्परेचर है, 98.6 फॉरेनहाइट तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल से ज्यादा से 101 डिग्री फॉरेनहाइट। तो कैसे होता है, इसके लिए थर्मामीटर जो यूज किया जाता है, उस थर्मामीटर में ये मान लीजिए थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर के अंदर क्या भरा है, देयर इज ए मर्करी, है ना, देयर इज मर्करी Hg। तो शरीर के गर्मी से जब हीट होगा Q, शरीर के गर्मी से मर्करी एक्सपेंड होगा और राइज करेगा, और मर्करी का जो पर्टिकुलर लेंथ मिलेगा उसके आधार पर आप कह देंगे कि ये टेम्परेचर। देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, दिस इज ए डायरेक्ट टच, डायरेक्ट मेथड हो गया कि कैलकुलेट किया। दूसरा है गाइडेड रैंडम, गाइडेड रैंडम में सिमुलेशन एनालिंग टेक्निक। अब सर्च करना है, जैसे कोई क्राइम हो गया और क्राइम को सर्च करने के लिए सही सही खोज करने सीबीआई को दे दिया गया केस। सीबीआई क्या करता है कि खोज करने में वो सीन क्रिएट करता है जिस सीन से वो काम हुआ, है ना। यदि मान लीजिए कोई मर्डर है, जैसे इलाहाबाद में आजकल बड़े मठ के नरेंद्र गिरी साहब ने अपना सुसाइड किया था 20 सितंबर को, तो 22 को सीबीआई के हवाले जांच कर दिया गया सर्च। तो सीबीआई ने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वो सीन क्रिएट किया, जिस सीन के हिसाब से जो फोटोग्राफ्स में मिले उसके हिसाब से। तो दैट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है कि हम उसमें क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल
क्या क्या हो सकता है संभावना अंडर द सुपरविजन दैट इज गाइडेड। और दूसरा हो गया इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम के दो पार्ट हो गया, इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी एंड देन जेनेटिक एल्गोरिथम। इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। तो इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी में उसी को स्टडी कर रहे थे रेमबर्ग ने, और इसी रेमबर्ग के इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी को आगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला कि दैट इज टर्म्ड एज सर्च टेक्निक विच कंसिस्ट ऑफ सो मेनी प्रोसेस। और इवोल्यूशनरी का मतलब इवॉल्व हुआ, इवॉल्व का मतलब हो गया कि जैसे आप लाइफ के बारे में पढ़ रहे होंगे कि ये जो जीवन है ये कहां से मिलता है, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर, कैसे सूर्य से अलग हुए ग्रह, ग्रह में अलग हुए 9 प्लेनेट 9 में वन ऑफ देम इज अर्थ, और अर्थ पे जीवन कब से शुरू हुआ जिसको गॉड पार्टिकल के रूप में या हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के रूप में खोज किया गया, जिससे ये कहा जाता है कि इसके द्वारा जीवन संभव हुआ। तो दैट इज इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, किस तरह से जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से लिविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन हुआ। जैसे ही लिविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन हुआ वैसे ही जेनेटिक्स की बात आ जाती है। जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, RNA एंड DNA, RNA DNA से कि जो क्रिएशन हुआ है वो RNA और DNA के थ्रू हुआ, और तब इसका एक नाम दे दिया गया GA, जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम में कई स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज इवेल्युएशन, थर्ड इज सेलेक्शन, फोर्थ इज क्रॉसओवर और फिफ्थ इज म्यूटेशन। तो ये जो तीन प्रोसेस है इसका अलग से नाम दे दिया जाता है और इसको कहते हैं GA, जेनेटिक एल्गोरिथम ऑपरेटर, जेनेटिक एल्गोरिथम ऑपरेटर। सेलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, दीज आर द थ्री जेनेटिक एल्गोरिथम ऑपरेटर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका पहला स्टेज क्या है, इनिशियलाइजेशन। किस चीज का इनिशियलाइजेशन, जैसे आप कोई भी सवाल हल करते हैं तो कहते हैं सपोज द वैल्यू इज ए या एक्स एंड देन यू प्रोसीड, उसी तरह से इनिशियलाइज होता है कोई भी चीज। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में करते हैं कि इफ आई है ना, इफ देन एल्स, एक तो ये टेक्निक यूज करते हैं, एक फॉर लूप करते हैं। फॉर लूप में जब लूप लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, है ना, ये जब आई करते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एंड दिस वन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो आई इज इक्वल टू जीरो इज इनिशियलाइज, उसी तरह से जेनेटिक एल्गोरिथम में पहले इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब होता है टू क्रिएट द पॉपुलेशन। टू क्रिएट द पॉपुलेशन,
अब ये पॉपुलेशन क्रिएट करने का जो प्रक्रिया होगा उसमें हम यूज करते हैं बाइनरी, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जीरो और वन, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर से जो सिस्टम बनेगा उसको हम कहते हैं जीरो एंड वन, टू बीट, फोर बीट, एट बीट, सिक्सटीन बीट, थर्टी टू बीट, सिक्सटी फोर, वन ट्वेंटी एट बीट्स। ये जो सिस्टम के रूप में आप जानते हैं, दीज आर द वे टू इनिशियलाइज द पॉपुलेशन फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। और जैसे ही इनिशियलाइज हो गया, जैसे ही इनिशियलाइज हो गया वैसे ही उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट किसे कहते हैं? फिटनेस वैल्यू से, फिटनेस वैल्यू। तो हर पॉपुलेशन का एक फिटनेस वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज फिटनेस वैल्यू? फिटनेस वैल्यू इज नथिंग बट द सक्सेस ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन हमने क्रिएट किया वो कितना सक्सेस है, एंड देन यदि वो उसका फिटनेस वैल्यू एक्सेप्टेबल हो गया तो उसको और एडवांस बनाने के लिए हम जेनेटिक एल्गोरिथम में ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, दैट इज सिलेक्शन, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन। ये पूरी की पूरी बातें हमको यहाँ पर पढ़नी है ना, जेनेटिक एल्गोरिथम के टर्म्स में। तो द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन। How to initialize the system? Initialize करने के लिए हम बहुत छोटा example लेते हैं। क्या छोटा example है? देखिए, how to generate population? मैंने कैसे initialize करेंगे? तो initialize करने के लिए इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाउ टू जनरेट द पॉपुलेशन, वी यूज द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या है? जीरो वन वन जीरो वन, ऐसे करके एन नंबर्स। एन नंबर्स मीन्स एन बीट, एन बीट में एन नंबर। फर्स्ट स्टेप। The second step is how to estimate oblique calculate the number. कितना number होगा? The value of n, n कितने bit का होगा? ये हम calculate करते हैं formula से। What will be the value of the calculation? और उसके लिए जो formula use करते हैं, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू फुल स्केल रेंज, दिस इज नोन एज एफ एस आर, फुल स्केल रेंज डिवाइडेड बाई टू टू द पावर नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स। यहाँ पे जैसे एन एन बीट में क्या हो सकता है? टू हो सकता है, फोर हो सकता है, थ्री भी, आप थ्री भी कह लीजिए, फोर फाइव सिक्स, इस तरह से जो बीट्स आ गए। तो नंबर ऑफ बीट्स को निकालने के लिए फिर वही आ जाता है कि रेजोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द रेजोल्यूशन, व्हाट इज द रेजोल्यूशन। अब देखिए, छोटा सा उदाहरण जो हम ले करके आसानी से समझने के लिए करते हैं वो ये कि मान लीजिए कोई एक ये स्केल, ये जीरो है, ये टेन, और इसको दो भाग में डिवाइड करना है, तो क्या करें? जीरो से फाइव और फाइव से टेन होगा। इसको चार भाग में डिवाइड करना है तो ये हो गया 2.5 दिस, और ये हो जाएगा 7.5। और इसी तरह से यदि हम और छोटे छोटे डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ता जाएगा।
नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ता जाएगा। तो रिजोल्यूशन के आधार पर ये हम पार्ट करते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड दी रिजोल्यूशन फॉर एन इज इक्वल टू 2 ऑफ रेंज ऑफ 10 वोल्ट। ये मान लीजिए 10 वोल्ट का है और एक वोल्ट और 10 वोल्ट का है, दो स्केल लेते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 2, 2 इज n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2, 2 के पावर 2 इज 4, तो 10 बाई 4 इज 2.5 का मतलब कि यहां से देखिए 0, 2.5, फिर यहां पर 5, फिर 7.5 और फिर ये 10, और 1 वोल्ट रहता, 0 और ये 1 वोल्ट होता तो क्या हो जाता, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। तो इस तरह से 2.5 का रिजोल्यूशन मिल जाता। यदि n इज इक्वल टू 3 है तो 2 के पावर 3 इज 8, 10 बाई 8 1.25 या 1/8, और n बाई 4 हो तो 10 बाई 16 और ये हो जाएगा 0.65 और 1/16। तो इस एग्जाम्पल से हम रिजोल्यूशन, नंबर ऑफ रिजोल्यूशन का स्केल निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन टू फाइंड आउट द रिजोल्यूशन एंड पॉपुलेशन।